नमस्कार, तीखी नजर इंडिया न्यूज से मैं अनुराधा कुमारी। भागलपुर सुल्तानगंज चौक बाजार में राजद के नगर अध्यक्ष अनुरोध यादव, जिला सचिव अफरोज आलम, आपदा प्रबंधक नगर अध्यक्ष विशाल कुमार के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान अफरोज आलम ने बताया कि सैकड़ों मजदूर, सफाई कर्मी और राजमिस्त्री को मास्क सैनिटाइजर दिया गया और साथ ही सभी को यह हिदायत भी दी गई कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्य करें और कोरोना महामारी से बचें। भाजपा नेताओं द्वारा गंदा पानी से सैनिटाइजर कराए जाने की खबर को मीडिया के द्वारा उजागर होने पर मीडिया को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस मौके पर सैकड़ों मजदूर, सफाई कर्मी और राजमिस्त्री राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल नगर की ओर से गरीब मजदूर राजमिस्त्री जो कि मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनको मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया जो कि गरीब आदमी को इससे सही काम करने में मास्क लगा के काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार हर गरीब के साथ है और साथ रहे। क्या संदेश दिए मजदूरों को? मजदूरों मॉक्स और सैनिटाइजर। संदेश क्या दिया उन लोगों को? संदेश दिए कि लगा के काम कीजिए, लॉकडाउन का पालन, लॉकडाउन का पालन कीजिए, इससे कोरोना महामारी, हाँ महामारी को हम लोग भगा सकेंगे देश से। का पानी जो ब्लॉक से लिया गया था, ऐसे लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं कि इस महामारी में और इस पवित्र रमजान के महीने में आपका खास करके अपने नाम कमाने के लिए उस नाला का पानी का छिड़काव नहीं करे और साफ सुथरा पानी का छिड़काव करे। मैं मीडिया को बधाई देना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसका उजागर किया, खास करके लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने अंचला पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि पानी गंदा का पानी ब्लॉक से लिया गया था, एक गाड़ी उसके बाद नहीं लिया गया और उसको पूरे शहर में छीटा गया है, ये दैनिक जागरण के मीडिया ने छापा है। वैसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। मैं दूसरे दल के लोगों को भी शाबाशी देना चाहता हूं जो लगातार 44 दिन का ये लॉकडाउन अभी आज जारी है। मैं अपने तमाम पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, दूसरे पार्टी के भी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो बाहर से मजदूर, श्रमिक, छात्र, छात्राएं आ रहे हैं, इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करें। जो अभी जो राहत सामग्री बांटा जा रहा है उसमें कुछ देख रहे नेताओं का जो प्रचार में दिखाया जा रहा है उससे क्या नहीं, राहत कार्य जो भी स्वयंसेवी बांट रहे हैं, जो भी पार्टी बांट रहे हैं वह जरूरी है, लोग के पास जरूरी है, चाहे जो भी है वह धन्यवाद के पात्र है। मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूँ। नहीं, सभी पार्टी के द्वारा अगले विधानसभा की तैयारी ठीक से पहले तभी नहीं लूंगा। नहीं, राहत सामग्री पे अपना अपना पोस्टर चिपकाए हुए हैं। नहीं, पोस्टर ठीक है, पोस्टर बैनर से बांट रहे हैं, अगर तो बांट रहे हैं वह उनका अपना काम है। अभी हम लोग राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, अभी कोरोना ऐसा है कि खाली हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड इससे संक्रमित है, इसलिए हम लोगों को देखना है। क्या सैकड़ों किसान मजदूरों को, राजमिस्त्रियों को क्या संदेश दे रहे हैं? राजमिस्त्री के आप मास्क लगा के किसी घर में जाइए और वहाँ सैनिटाइजर लगा कर काम करिए और घर वाला को भी सचेत करिए कि आप भी सैनिटाइजर 2-3 दफा लगाइए। कोरोना पहला है कि घर से बाहर निकलिए तो आप मास्क पहन के लीजिए। दूसरा है कि 2 गज दूरी में रहिए। तीसरा है कि हाथ को हमेशा आधा घंटा में धोते रहिए, तभी आपके मन से, आपके शरीर से कोरोना भागेगा। अगर आप गैदरिंग में रहिएगा, भीड़ में रहिएगा तो नहीं होगा। मैंने कल देख रहे थे कि अलीगढ़ में आप कि एक धर्मेंद्र बीरू बन गया
दारू पी के चढ़ गया पानी टंकी में और नीचे बसंती बुला रही है आ जाओ। और तमाम पुलिस के कर्मचारी और पुलिस के पदाधिकारी और मीडिया दिखवा रहे हैं कि देखो ये है अलीगढ़ का दारू पीने वाला, ऊपर से बसंती को बुला रहा है। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.